तो दोस्तों स्वागत है इस चैनल में। और ये जो प्लेलिस्ट होने वाली है, इस प्लेलिस्ट में हम लोग सीखने जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट अज्योर फंडामेंटल्स, और जो कि AZ900 जिसका कि सर्टिफिकेशन कोड है। ये जो सर्टिफिकेशन है ये बहुत ही इजी सर्टिफिकेशन है, स्पेशली जो आपको अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हो और क्लाउड के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, तो उसके जो हिसाब से ये कोर्स है या ये जो सर्टिफिकेशन है ये बहुत ही बेटर सर्टिफिकेशन है। बिकॉज इससे जो आपकी बेसिक नॉलेज है क्लाउड को लेके वो बिल्डअप हो जाती है, और आपको जो हाई लेवल आइडिया है माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी कंपोनेंट्स हैं या जो क्लाउड है या जो टर्मिनोलॉजीज हैं, उसका जो आपका एक हाई लेवल आपको आइडिया पता चल जाता है। उसके बाद जो है आप जो है अदर सर्टिफिकेशंस वगैरह कर सकते हैं। तो इसमें मैं ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगा, अगर आपने क्योंकि अगर आप इस प्लेलिस्ट में आए हो या आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि आपको जो है माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एज्योर फंडामेंटल्स बनना है। अब ये जो मैंने जो ये किया था सर्टिफिकेशन, ये लगभग मैंने 3-4 महीने पहले किया था आज से, और ये करने के लिए जो मैंने स्टडी की थी वो लगभग 2 से 3 दिन मैंने स्टडी की थी। अगेन जो मेरा स्टडी का टाइम था वो कुछ ऐसा फिक्स पैटर्न नहीं था, लेकिन लगभग मैंने दोनों या तीनों दिन जो 2 से 2.5 घंटे डेली स्टडी की होगी। लेकिन जो क्लाउड की नॉलेज है वो मुझे पहले से ही थी, इसलिए जो मेरे लिए क्लाउड के कुछ जो टर्मिनोलॉजीज है वो बहुत ही मैंने फास्ट पिकअप कर लिया। तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे यही है कि जो आपको क्लाउड से रिलेटेड चीज़ें हैं वो मैं क्विकली बता पाऊँ, ताकि जो आप भी अपना जो ये कोर्स है, फंडामेंटल्स कोर्स है या सर्टिफिकेशन है, उसको जो क्विकली आप कर पाओ। अब जो है कुछ बेसिक बातें हम इसमें कर लेते हैं कि मैं जो है ये चैनल शुरू करने का मेरा पर्पस क्या था, या मैं कौन हूँ और मैं ये सब क्यों जो यहाँ पे ऑनलाइन क्यों पढ़ा रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों मेरा नाम है विकास कुमार झा, और ये जो सर्टिफिकेशन वाला जो ये है प्लेलिस्ट, ये मैंने अभी शुरू किया, और मेरा जो पर्पस है यही है कि जो भी क्लाउड से रिलेटेड सर्टिफिकेशन वो जो मैंने किए, एटलीस्ट मैं उनके कुछ जो ट्यूटोरियल्स बना सकूँ, ताकि जो लोग स्पेशली जो टर्मिनोलॉजी या टेक्नोलॉजीज को नहीं जानते वो भी इनको सीख सके। बिकॉज मुझे जो है लगभग 11 साल हो गए हैं आईटी इंडस्ट्री में काम करते हुए, और आप लिंक्डइन पे जाके मेरा जो प्रोफाइल है वो देख सकते हैं, मैं ऑलमोस्ट लाइक 2010 से जो है आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। डिफरेंट कस्टमर्स के लिए मैंने काम किया है, और इसलिए जो टेक्नोलॉजी को समझने का जो नज़रिया है या जो तरीका है मेरा, वो काफ़ी अगर आप बिगिनर है तो आपको थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन मैं बहुत ही इजीली जो है चीज़ों को समझ जाता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि एक बार अगर मैं समझ गया तो मैं किसी और को उसको एक्सप्लेन कर सकूँ, ताकि एटलीस्ट उसके लिए जो है चीज़ें थोड़ी आसान हो जाए, उसको पूरा वो स्ट्रगल ना करना पड़े जो मेरे को करना पड़ा है सीखने के लिए। तो ये पर्पस है इस जो चैनल को बनाने का, और स्पेशली जो क्लाउड सर्टिफिकेशन वाली जो प्लेलिस्ट जो कि शुरू होगी, ये पहली वीडियो है इस प्लेलिस्ट की जिसमें हम एज्योर फंडामेंटल सीखने वाले हैं, और धीरे धीरे हम प्रोग्रेस करेंगे। अगेन ये क्योंकि पहली वीडियो है तो वीडियो की पेस जो है वो थोड़ी स्लो हो सकती है, या हो सकता है किसी को ये वीडियो की पेस फास्ट लगे, तो जैसा भी आपका जो आपका कमेंट हो, जो जो भी आपका फीडबैक हो, कोशिश कीजिए वो कमेंट में आप बता दीजिए, तो अगली वीडियोज़ में मैं वो चीज़ें इम्प्रूव कर लूँ। अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन जो करने की उसकी ज़रूरत क्या है। तो जो इस टाइम पे क्लाउड की जो वैल्यू है या डिमांड है स्पेशली जॉब्स को लेके, तो वो बहुत ही हाई है। अगर आप जॉब ढूंढना चाह रहे हैं और आप क्लाउड सर्टिफाइड हैं, तो आपको बहुत ही आराम से जॉब मिल जाएगी, आसानी से जॉब मिल जाएगी, आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, और आपको जो सैलरी है इनफैक्ट एक अच्छी सैलरी आपको मिल सकती है। अब क्या माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन वगैरह करने के लिए आपको ऑलरेडी कोई आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, या आपको जो है लेसे कोई पर्टिकुलर स्टडी आपने की होनी चाहिए? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो मैंने बहुत से इनफैक्ट जो स्टूडेंट्स देखे हैं 13-14 साल के, उन्होंने भी जो माइक्रो सर्टिफिकेशन कर रखे हैं, और अगर आप लिंक्डइन पे हो और आप जो है थोड़ा बहुत उसको कंटिन्यूसली जो डेली बेसिस पे ब्राउजिंग करते हैं, तो आप देखे हुए बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें बच्चों ने भी, यानी कि 13 से 14 साल के स्टूडेंट्स वगैरह ने भी जो है सर्टिफिकेशंस कर रखे हैं। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आपको कितना इंटरेस्ट है सर्टिफिकेशन करने में, उसके बेसिस पे फिर आपके इंटरेस्ट के बेसिस पे आप आसानी से सर्टिफिकेशन वगैरह टेकअप कर सकते हैं। अब चलते हैं थोड़ा जो है सर्टिफिकेशन की तरफ, और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो हम मूव ऑन करते हैं, देखते हैं कि सर्टिफिकेशन को रजिस्टर कहाँ से करना है और कैसे करना है। तो दोस्तों सबसे पहले जो मैं रजिस्ट्रेशन का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर आप इस प्लेलिस्ट पे जुड़े हैं या इस प्लेलिस्ट को देख रहे हैं, और सर्टिफिकेशन करने का अगर आपका पर्पस है, तो सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि आप जो ये लिंक है इस लिंक पे जाइए,
और एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, बिकॉज़ एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो आपकी डेडलाइन बन जाएगी कि हाँ इस डेट को मुझे जो है सर्टिफिकेशन करना है। उसके बाद फिर आप आराम से जो है 2 या 3 दिन में इसकी प्रेपरेशन करके आप जो है सर्टिफिकेशन दे सकते हैं, और उसके बाद आराम से जो आपका सर्टिफिकेशन क्लियर हो जाएगा। अगर आपने एनरोल नहीं किया तो उस केस में क्या होता है कि जो डेडलाइन नहीं बनी होती है, और जो अगर एक बार आपका कोई टारगेट नहीं सेट होता है तो फिर उस केस में जो है फॉलो करना या पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो अगर आपने ऑलरेडी मूड बना रखा है या आपने प्लान कर रखा है कि आपको सर्टिफिकेशन करना है तो आप ये प्लेलिस्ट देख के आराम से जो है सर्टिफिकेशन इसका क्लियर कर सकते हैं। इसलिए अगर पॉसिबल है, अगर आप कर सकते हैं तो इस लिंक पे जाइए और जाके आप आराम से सर्टिफिकेशन जो है उसका रजिस्टर कर लीजिए, कोई भी फ्यूचर डेट के साथ, आज से 10 दिन या 15 दिन आगे की डेट डाल के। और जो है इस अगर बात करें सर्टिफिकेशन के प्रैक्टिस टेस्ट की, तो यहाँ पे अगर एक बार आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो ये कुछ इस तरह का खुलेगा, और वहाँ पे नीचे आप देखेंगे एक लिंक होता है जो कि ऑफिशियल, जहाँ पे ऑफिशियल प्रैक्टिस टेस्ट है वो सारे अवेलेबल होते हैं। तो इस ऑफिशियल प्रैक्टिस टेस्ट में एक्चुअली पेड प्रैक्टिस टेस्ट है, तो अगर आपको 100% श्योरिटी चाहिए कि मैं सर्टिफिकेशन में पास हो ही हूँ तो उस केस में आप क्या है, आप जो प्रैक्टिस टेस्ट जो है परचेस कर सकते हैं, और उसके बाद जो है आप एक बार इस प्रैक्टिस टेस्ट को गो थ्रू करते हैं तो आपके सक्सेस जो आपका सक्सेस रेट है वो बहुत ही हाई हो जाएगा इस सर्टिफिकेशन को क्लियर करने का। अब उसके बाद बात करते हैं प्राइस की। तो प्राइस जो है इसमें प्राइस कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। जैसे कि आपने देखा यूनाइटेड स्टेट्स अगर हमने सेलेक्ट किया हुआ है तो $99 दिखा रहा है, लेकिन अगर मैं कंट्री चेंज करता हूँ, कोई और कंट्री सेलेक्ट करता हूँ तो प्राइस डिफरेंट दिखाएगा। उसके अलावा एक चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे जो बहुत ही सही है कि स्केड्यूल फॉर USD 15। अगर आप जो है स्टूडेंट है या इम्पेक्टेड बाय COVID-19 है तो उस केस में आप जो है सिर्फ USD 15, यानी कि अगर इंडियन करेंसी में बोले तो लगभग 1000-1200 रुपये में आप जो है इस सर्टिफिकेशन को स्केड्यूल कर सकते हैं और सर्टिफिकेशन दे सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब एक बार चलते हैं वेबसाइट पे, थोड़ा सा इसकी वेबसाइट पे जाके, इस लिंक पे जाके हम लोग फॉलो करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे क्या दिखाता है। तो मैंने लिंक ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, यहाँ पे जब आप उस लिंक को फॉलो करोगे तो आप यहाँ पे आ जाओगे। यहाँ पे सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे आप देखोगे अगर ये जो जो भी एग्ज़ाम का स्केड्यूल होता है या एग्ज़ाम का पैटर्न होता है या जो स्किल मेजरमेंट के टॉपिक्स होते हैं वो अगर कुछ भी चेंजेस होते हैं उसमें, तो यहाँ पे आप उसके रिगार्डिंग जो है अपडेट देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी बता रहा है इस टाइम पे द कंटेंट ऑफ एग्ज़ाम विल बी अपडेटेड ऑन October 25, यानी कि थोड़े बहुत माइनर चेंजेस जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं। आज October 1 है तो यानी 25 दिन के अंदर अंदर कुछ थोड़े बहुत माइनर चेंजेस होंगे जो कि यहाँ पे अपडेट कर दिए जाएंगे। और पासिंग स्कोर यहाँ पे बताया हुआ है, पासिंग स्कोर जो है वो 700 है। तो ये जो पासिंग स्कोर है ये आप समझ सकते हैं कि ऑन एन एवरेज जो है लगभग जो है 70% जो आपको स्कोर चाहिए एग्जाम को क्लियर करने के लिए, अगर आप जो है लेमेन की टर्म में अगर हम बात करें तो। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करोगे, जैसे मैंने आपको बताया आप जो है एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करके आप जो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर मैं करता हूँ सेलेक्ट इंडिया तो आप देख सकते हैं एग्ज़ाम फीस जो है वो ओनली 3696 है, जो कि आई थिंक इज़ क्वाइट रीजनेबल। उसके बाद अगर आप COVID-19 इम्पेक्टेड है या स्टूडेंट हैं तो आप स्केड्यूल फॉर ओनली USD 15 सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे दो आप देखेंगे, आप जो है स्केड्यूल विद पियर्सन व्यू कर सकते हैं और स्केड्यूल विद सर्टिपोर्ट कर सकते हैं अगर आप स्टूडेंट और इंस्ट्रक्टर हैं। तो मोस्टली आपके केसेस में जो है, या आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप स्केड्यूल विद सर्टिपोर्ट कर सकते हैं या फिर पियर्सन व्यू के साथ जाइए अगर आप जो है वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। उसके बाद उस आगे की गाइडलाइन जो है, जैसे आप इसको फॉलो कीजिए बहुत ही ईजिली जो है आप रजिस्टर वगैरह कर पाएंगे। अब एक बार जस्ट क्विकली जाके ऑफिशियल जो प्रैक्टिस टेस्ट है इसको देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ है। अब देखो ये ऑफिशियल प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो mindhub.com पे आपको ले जाता है, जहाँ पे एक्चुअली कुछ प्राइस वगैरह दिया होगा इसको, जो एग्ज़ाम प्रेपरेशन गाइड है उसको खरीदने का, और फिर उसके हिसाब से आप इसको परचेज कर सकते हो। तो मैं तो एक्चुअली रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप जो है फंडामेंटल का आपको ऐसे ऐसा प्रैक्टिस टेस्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है अगर इसके जो कंटेंट को फॉलो करेंगे तो बहुत ईजिली क्लियर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे इनका प्राइस तो कुछ ये प्राइस है, ठीक है। तो इसके बारे में खैर मैंने भी ये जो यूज़ नहीं किया था तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर आप इस जो इस वीडियो ट्यूटोरियल्स को देखते रहेंगे या पढ़ेंगे आराम से तो आप बहुत ही ईजिली जो है 3 से 4 दिन में ये सर्टिफिकेशन वगैरह क्लियर कर पाएंगे। तो अगर हम अब स्क्रॉल डाउन करें तो देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है कौन से स्किल पे आपको मेजर किया जाएगा। तो एक बार फिर से चलते हैं यहाँ पे और देखते हैं कौन से स्किल्स पे जो मेजरमेंट क्राइटेरिया है वो क्या है। तो सबसे पहले जो है वो है डिस्क्राइब क्लाउड कॉन्सेप्ट। तो लगभग जो है 20-25% ऑफ
जो क्वेश्चंस है वो आएंगे आपको, इट विल बी अबाउट डिस्क्राइबिंग क्लाउड कॉन्सेप्ट, यानी कि क्लाउड क्या होता है, क्लाउड के फीचर्स क्या हैं, बेनिफिट क्या है, प्रॉब्लम क्या है, कैसे ये आपकी कॉस्ट सेविंग करता है, उन सब टाइप के जो बेसिक क्लाउड के कॉन्सेप्ट हैं उनसे रिलेटेड चीज़ें होंगी, जैसे कि स्केलेबिलिटी क्या है, इलास्टिसिटी क्या है, उस टाइप की चीज़ें। उसके बाद है डिस्क्राइब कोर अज्योर सर्विसेज, को जो अज्योर की कितनी सर्विसेज हैं उन सब से रिलेटेड जो है 15 to 20% क्वेश्चन जो लगभग इस सेक्शन से आएंगे। और उसके बाद जो थर्ड सेक्शन है विच इज़ अबाउट डिस्क्राइब कोर सॉल्यूशन एंड मैनेजमेंट टूल्स ऑन अज्योर, ठीक है, तो इसमें अगेन 10 से 15% जो है वो कंटेंट या जो क्वेश्चन है वो यहाँ से आएंगे। फिर उसके बाद जो अनदर 10 से 15% क्वेश्चन है वो आपको सिक्योरिटी एंड नेटवर्किंग रिलेटेड फीचर से आ सकते हैं। उसके बाद 15 से 20% जो है वो आइडेंटिटी क्या होता है, गवर्नेंस, प्राइवेसी एंड कंप्लायंस रिलेटेड जो अज्योर के फीचर्स हैं उसमें से आएंगे। और जो रिमेनिंग 10 to 15% है वो जो है अज्योर का कॉस्ट मैनेजमेंट या सर्विस लेवल एग्रीमेंट वाली जो है टॉपिक्स उनमें से आएंगे। तो मैं कोशिश करूंगा ये सारे जो टॉपिक हैं मैं आपको वन बाय वन, यानी कि अगर हम देखें लगभग यहाँ पे 6 टॉपिक्स हैं, तो हम इसको 4 से 4 या 5 वीडियोज में ये 6 के 6 टॉपिक डिटेल में कवर करेंगे, ताकि जो आप सारे टॉपिक को सेक्शन बाय सेक्शन देख सको और आप जो है प्रिपरेशन भी प्रॉपरली कर सको। तो हम थोड़ा सा ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे ये जो क्लाउड कॉन्सेप्ट वाले के लिए, क्योंकि अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हो तो आपको क्लाउड कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है, और जो मोस्टली क्वेश्चन जो हैं 20 to 25% जो क्वेश्चन हैं वो इसी सेक्शन से आने वाले, तो इस पर्पज़ से भी ये वाला जो सेक्शन है थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो है मूव ऑन करते हैं और समझते हैं कि जो क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो जब भी हम क्लाउड की बात करते हैं तो मेनली जो है हमें हमारे दिमाग में बस क्लाउड, आई मीन उसकी जो डिफरेंट मॉडल्स हैं वो सब हमें पता नहीं होता है। जनरली सिर्फ क्लाउड क्लाउड का मतलब लोग ये समझते हैं कि कोई ऐसी चीज़ है या जो पब्लिक है या जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, लेकिन अगर यहाँ पे बात करें तो 3 टाइप के जो डिप्लॉयमेंट मॉडल होते हैं। सबसे पहला होता है पब्लिक क्लाउड। तो पब्लिक क्लाउड जो है उसमें क्या होता है, सर्विसेज आर ऑफर्ड ओवर द इंटरनेट। तो जैसे आपको वीएम लेना है तो आप जो अज्योर की साइट पे गए, वहाँ से आपने एक वर्चुअल मशीन खरीदा और आपने जो सर्वर पे लॉग इन किया और अपना काम करना शुरू कर दिया, या लेट से आपको जो है कुछ सर्वरलेस कंप्यूटिंग चाहिए, कुछ भी आपको अवेलेबल करना है वो बेसिकली ओवर द पब्लिक इंटरनेट अवेलेबल है, आप गए वहाँ पर और आपने जो खरीदा, परचेस किया और जो काम अपना शुरू कर दिया। अब उसके बाद बात करते हैं प्राइवेट क्लाउड। तो प्राइवेट क्लाउड क्या होता है, प्राइवेट क्लाउड की ज़रूरत क्या है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि अब देखो ये पब्लिक क्लाउड में यानी कि बेसिकली जो सर्विसेज हैं दोज आर अवेलेबल ओवर द इंटरनेट। तो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे जो सर्विसेज है वो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में, फॉर एग्जांपल यूएस में है, और राइट नाउ जैसे हम लोग हैं इंडिया में, अब हम चाहते हैं कि यार इंडिया का कोई भी डेटा है वो यूएस में ना जाए, ठीक है, तो यानी उस केसेस में क्या है, मैं पब्लिक क्लाउड जो है वो यूज़ नहीं कर सकता मुझे, क्योंकि अगर मैं पब्लिक क्लाउड यूज़ करता हूँ तो मुझे जो है मेरा डेटा ऑब्वियसली जो कंट्री से बाहर जाएगा, ठीक है। अगेन जो है बहुत से अब जो डेटा सेंटर्स हैं वो डिफरेंट रीजन्स में अवेलेबल होते हैं, उसके बारे में बाद में जाएंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझिए कि जो पब्लिक क्लाउड है उसकी कुछ जो है कंस्ट्रेंट है जिसके लिए आपको प्राइवेट क्लाउड यूज़ करना पड़ता है, स्पेशली जो है वो डेटा सिक्योरिटी, कंप्लायंस या जो आपकी लोकल कंट्री की पॉलिसीज होती हैं उसके लिए आप जो है प्राइवेट क्लाउड यूज़ करते हो। ज़्यादातर प्राइवेट क्लाउड जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करती हैं, उन्होंने ऑलरेडी अपना कंप्लीट क्लाउड सेटअप कर रखा होता है, जहाँ से वो जो है अपने आईटी रिसोर्सेज यानी कंप्यूटिंग रिसोर्सेज होते हैं उसको यूज़ करते हैं, और जो कि सिर्फ जो है उनके बिजनेस या उनकी ऑर्गेनाइजेशन में ही लिमिटेड होता है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन तक ही यूज़ किए जा सकते हैं। जैसे कि लेस लेस सपोज कि कोई XYZ कंपनी है, उन्होंने एक जो है बड़ा सा डेटा सेंटर सेटअप किया और उन्होंने काइंड ऑफ क्लाउड एनवायरनमेंट बनाया जिसमें जाके आप जो है ऑन नीड बेसिस जो भी क्लाउड के फीचर्स हैं वो आप जो है वहाँ पे देख सकते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं, या जो क्लाउड टेक्नोलॉजीज हैं वो चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, बट इट विल बी लिमिटेड टू दैट XYZ कंपनी। अब आते हैं जो थर्ड टाइप का है, दैट इज़ हाइब्रिड क्लाउड। अब देखोगे मोस्टली जो इस टाइम पे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो धीरे धीरे हाइब्रिड क्लाउड की तरफ मूव कर रही हैं, बिकॉज जो डायरेक्टली पब्लिक क्लाउड पे मूव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए करेंटली दे आर मूविंग टू हाइब्रिड क्लाउड। अब हाइब्रिड क्लाउड क्या है, हाइब्रिड क्लाउड इज अ कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट दैट कंबाइन्स अ पब्लिक क्लाउड एंड अ प्राइवेट क्लाउड बाय अलाउइंग डेटा एंड एप्लीकेशन टू बी शेयर्ड बिटवीन देम। यानी कि कुछ पार्ट जो है वो आपका जो है कुछ पार्ट या कुछ कंप्यूटिंग चीज़ें जो है कंप्यूटिंग रिसोर्सेज जो है वो आपके पब्लिक क्लाउड पे चल रही है और कुछ जो है वो प्राइवेट क्लाउड पे चल रही है। जैसे कोई पर्टिकुलर टाइप का डेटा है वो बहुत सिक्योर है, तो उससे रिलेटेड जो कंप्यूटिंग है या वो डेटा है वो आप रख रहे हो
प्राइवेट क्लाउड पे, रिमेनिंग जो है जो कि विच कैन बी ओपन टू अदर्स, और जो इतना जो है जैसे कंप्लायंट चीज़ें नहीं है या कॉन्फिडेंशियल नहीं है, दैट कैन बी यूज्ड और एक्सेस्ड ऑन पब्लिक क्लाउड। तो उस टाइप की जो अगर आपका स्ट्रक्चर है तो दैट विल बी कॉल्ड हाइब्रिड क्लाउड। ये तीनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इनको आप ध्यान में रख लीजिए। अब तीनों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं और ड्रॉबैक्स भी हैं, तो ये जो है आपको इससे रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके बाद जो है अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं टॉपिक के बारे में, विच इज़ गोइंग टू बी कॉल्ड आइडेंटिफाइंग द बेनिफिट्स एंड कंसिडरेशन ऑफ यूजिंग क्लाउड सर्विसेज। तो समझते हैं कि यार जो क्लाउड सर्विसेज है उसको यूज़ करने के कंसिडरेशन क्या है या बेनिफिट क्या है, क्यों उसको यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं पब्लिक क्लाउड की। अब पब्लिक क्लाउड में क्या है, नो कैपिटल एक्सपेंडिचर टू स्केल अप। तो ये जो नो कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला, ये आपको बेसिकली जो भी क्लाउड है उसमें आपको ये चीज़ें मिलेगी, यानी कि आपको जो अप फ्रंट आपका एक्सपेंसेस है वो नहीं करना पड़ेगा। आपको जो भी आपने जैसे अगर आपको सर्वर खरीद आपको जो है सर्वर चाहिए 1 घंटे के लिए, तो आप जो बेसिकली 1 घंटे के लिए आप पे करो, 1 घंटे के लिए सर्वर यूज़ करो और उसके बाद आप सर्वर डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो यानी कि आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है यानी अप फ्रंट जो है वो आपके कॉस्ट जो है बहुत कम होती है। और उसके बाद अगर आपको स्केल अप करना है, यानी जैसे आपने 2 GB की आपने एक जो है VM खरीदा है जिसमें 2 GB रैम है, और अगर आप उसको बढ़ा के 4 GB करना चाहते हो, तो यू कैन डू दैट अप फ्रंट। ठीक है, आप उसको इंक्रीज कर सकते हो, आपको स्केल डाउन करना है स्केल डाउन कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ें जो है आप कर सकते हो। उसके बाद आते हैं एप्लीकेशन कैन बी क्विकली प्रोविजन एंड डी प्रोविजन। तो जैसे जैसे आपको कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करनी है, या आपको कोई भी वर्चुअल मशीन खरीदना है, कोई भी आपको स्टोरेज लेना है, कोई भी आपको सर्वरलेस कंप्यूटिंग यूज़ करनी है, आपको जो है कॉग्निटिव सर्विसेज यूज़ करने हैं, तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो आप जो है क्विकली आप प्रोविजन कर सकते हैं और डी प्रोविजन कर सकते हैं। तो प्रोविजन का मतलब ये है बेसिकली, अगर जैसे आपने एक सर्वर खरीदा है तो विद इन आपका फ्यू मिनट्स जो है वो सर्वर जो है रेडी हो जाएगा, और उसमें जो स्टोरेज है वो अटैच हो जाएंगी, सर्वर एक्सेसिबल हो जाएगा, तो बहुत ही क्विकली वो है प्रोविजन हो गया। और उसके बाद जैसे एक बार आपका काम हो गया, आप उसको क्विकली स्टॉप कर सकते हो या डिकमीशन कर सकते हो या डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो आपका प्रोविजनिंग और डी प्रोविजनिंग दोनों बहुत ही क्विकली हो जाती है। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन पे ओनली फॉर व्हाट दे यूज़। तो ये तो दोस्तों क्लाउड का कॉन्सेप्ट ही यही है कि आपको सिर्फ उतना ही पे करना है जितना कि आप यूज़ करते हो। तो यहीं से आपका जो कॉस्टिंग है सारी की सारी सेविंग वो यहीं से होनी शुरू होती है। फॉर एग्जांपल अगर पुराने ज़माने की बात करें, तो अगर आपको अपनी वेबसाइट ही एक सेटअप करनी होती थी, तो उसके लिए पहले आपको जो है अपने घर में या ऑफिस में आपको सर्वर सेटअप करना पड़ता था। फिर वो सर्वर को सेटअप करने के लिए आपको, क्योंकि सर्वर हीट बहुत छोड़ता है, तो उसके लिए आपको एक अलग रूम चाहिए जिसमें आप जो है मल्टीपल ACs रखते थे ताकि जो सर्वर हीटअप ना हो। तो ये सारे जो है बहुत सी चीज़ें होती थी जो आपको टेक केयर करनी पड़ती थी सिर्फ और सिर्फ एक वेबसाइट को होस्ट और रन करने के लिए। तो अब जो है वो चीज़ें नहीं हैं, और आप जो है सिर्फ उसी चीज़ के लिए पे करते हो जो कि आपको यूज़ करनी है, तो जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्टिंग है वो बहुत कम हो गई है। अब बात करते हैं प्राइवेट क्लाउड की। अब प्राइवेट क्लाउड में क्या है, बिकॉज आपने जो सारा का सारा क्लाउड सेटअप है वो आपने अपने पर्टिकुलर, या ऑर्गेनाइजेशन ने, जो कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसने अपने पर्टिकुलर डेटा सेंटर में सेटअप किया है। तो यानी कि अगर आपको फिर सेटअप करना है क्लाउड, तो आपको हार्डवेयर खरीदने पड़ेंगे। तो हार्डवेयर मस्ट बी परचेज फॉर स्टार्टअप एंड मेंटेनेंस। तो आपको सारा हार्डवेयर आपको खुद से खरीदना पड़ेगा, और फिर जो है उन हार्डवेयर का जो सेटअप है या मेंटेनेंस है वो सारा जो काम आपको खुद से करना पड़ेगा। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज एंड सिक्योरिटी। तो ये देखो जो मेन बेनिफिट है प्राइवेट क्लाउड का वो यही पे है कि आपका कंप्लीट कंट्रोल है, जितने भी रिसोर्सेज हैं या सर्वर्स हैं उसका, उसके ऊपर आपका कंप्लीट कंट्रोल है। एंड यू नो जितना भी डेटा है वो सिर्फ और सिर्फ इस सर्वर पे है या इस डेटा स्टोर में है, और आप 100% गारंटी के साथ कह सकते हो कि ये मेरा डेटा जो है वो कंट्री से बाहर नहीं जा रहा है। तो वो जो कंट्रोल है वो आपको पब्लिक क्लाउड में कभी नहीं मिल सकता है, बिकॉज पब्लिक क्लाउड में, बिकॉज आप जो है शेयरिंग मॉडल काइंड ऑफ यूज़ करते हो, बहुत से केसेस में आपका जो डेटा है जो अंडरलाइंग हार्डवेयर होता है वो जो है शेयर्ड होता है। इवन दो आपको जब आप यूज़ करते हो पब्लिक क्लाउड, तो आपको ऐसा फील नहीं होता कि आप शेयर्ड एनवायरनमेंट यूज़ कर रहे हो, लेकिन बहुत से केसेस में जो अंडरलाइंग हार्डवेयर है वो शेयर्ड होता है। उसके बाद बात करते हैं प्राइवेट क्लाउड में जो थर्ड पॉइंट है, विच इज़ ऑर्गेनाइजेशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डवेयर मेंटेनेंस एंड अपडेट्स।
अब जैसे आपने क्योंकि सर्वर खरीदा है, सर्वर में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो आपको जो सर्वर में कोई हार्डवेयर इशू है या नेटवर्किंग डिवाइसेस में या फायरवॉल में किसी में कोई हार्डवेयर इशू है, तो उसकी जो मेंटेनेंस आपको खुद से टेक केयर करनी पड़ेगी। आपको जैसे आपने सर्वर सेटअप किया है, सर्वर को अपडेट करना है, चाहे वो सॉफ्टवेयर अपडेट हो, वो आपको खुद से टेक केयर करना पड़ेगा। अब मूव करते हैं हाइब्रिड क्लाउड में। तो ऐसे जो सिनेरियोज हैं जिसमें आपको बिकॉज ऑफ लेसे सिक्योरिटी रीजंस की वजह से जो है आप पब्लिक क्लाउड पे नहीं मूव कर सकते हो, तो उस केसेस में हाइब्रिड क्लाउड जो है वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। आपने जो कुछ जो सिक्योर चीज़ें हैं वो आपने प्राइवेट क्लाउड में रखी, और उसके बाद जो है जो रिमेनिंग चीज़ें हैं वो आप जो पब्लिक क्लाउड में रख सकते हो। तो हाइब्रिड क्लाउड को समझते हैं, इसमें प्रोवाइड्स द मोस्ट फ्लेक्सिबिलिटी। तो आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप जो है आप अपना कुछ जो है आप डिज़ाइन ऐसा कर सकते हैं कि कुछ जो आपके कंपोनेंट है वो प्राइवेटली रहेंगे डेटा सेंटर में, कुछ जो चीज़ें हैं यू विल बी अब वो जो है आप पब्लिक क्लाउड के ऊपर यूज़ करोगे। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन वेयर टू रन देयर एप्लीकेशंस। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिसीजन लेती है कि ये मेरे कौन सी एप्लीकेशन है वो प्राइवेट क्लाउड पे चलेंगी, कौन सी जो है पब्लिक क्लाउड पे चलेंगी। सो वो सारे डिसीजन जो है ऑर्गेनाइजेशन लेती है। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशंस कंट्रोल सिक्योरिटी कंप्लायंस और लीगल रिक्वायरमेंट्स। तो मेनली जितने भी आपके सिक्योरिटी कंप्लायंस या लीगल रिक्वायरमेंट होती है किसी पर्टिकुलर कंट्री की, तो वो फुलफिल करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है, यानी ऑर्गेनाइजेशंस को इन चीज़ों का कंट्रोल रखना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो दोस्तों ये मोटा मोटा जो है डिफरेंट टाइप के जो मॉडल हैं क्लाउड के, उसका इंट्रोडक्शन था। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के, विच इज़ आइडेंटिफाइंग द बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। और इसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स है, जैसे कि हाई अवेलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, इलास्टिसिटी, एजिलिटी एंड डिजास्टर रिकवरी। तो हम इनको समझते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं हाई अवेलेबिलिटी की, ठीक है। तो हाई अवेलेबिलिटी यानी कि क्लाउड का सबसे बड़ा फंडा यही है कि क्लाउड हाईली अवेलेबल होगा। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपने सर्वर जो है अपने ऑफिस में या घर में सेटअप किया हुआ है, तो आपके घर में ऐसा हो सकता है कि पावर ऑफ हो जाए, उसकी वजह से आपका जो है सर्वर डाउन हो गया, या डेटा सेंटर अगर है तो डेटा सेंटर में ऐसा हो सकता है कि डेटा सेंटर में हीटअप हो गया, डेटा सेंटर में आग लग गई, कोई आंधी तूफान आ गया, फ्लड आ गया, कुछ भी हो गया जिसकी वजह से डेटा सेंटर डिस्ट्रॉय हो गया। तो बेसिकली आपकी जो एप्लीकेशन है वो डाउन हो सकती है। तो आपकी एप्लीकेशन की जो हाई अवेलेबिलिटी है, यानी कि टू एंश्योर कि आपकी एप्लीकेशन हमेशा चल रही है 24/7, उसकी गारंटी लेना, ठीक है, हर कंपोनेंट जो कि आपकी उस एप्लीकेशन को चला रहे हैं उनकी गारंटी लेना और इंश्योर करना कि वो हमेशा अवेलेबल है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल व्हेन यू आर यूजिंग लेट्स से डेटा सेंटर, प्राइवेट क्लाउड, इस टाइप के जब आप चीज़ें करें तो वो पॉसिबल नहीं होता। तो जो है क्लाउड में ये चीज़ें जो हैं वो पॉसिबल होती हैं। अगेन जो डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स है, फॉर एग्जाम्पल आपका VMware हो गया, या आपका जो है लेट से नेट फायरवॉल हो गया, स्टोरेज डिवाइसेस हो गया, जो जितनी भी चीज़ें हैं सबके जो अवेलेबिलिटी है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो वो आप सबको डिटेल में जो है आप इस URL को फॉलो करके उस चीज़ों को डिटेल में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको मोटा मोटा बोलूँ तो हर चीज़ की अवेलेबिलिटी एटलीस्ट 99.9 जो है अवेलेबिलिटी हर कॉम्पोनेंट हर चीज़ की है अज्योर में। कोई भी चीज़ आप यूज़ करते हैं इट इज़ एनश्योर्ड कि 99.9% ऑफ द टाइम वो जो चीज़ है या कंपोनेंट है, चाहे वो VM हो, चाहे वो स्टोरेज हो, चाहे जो है वो फायरवॉल हो, चाहे जो है सर्वरलेस चीज़ें हो, वो सारी जो है 99.9% ऑफ द टाइम अवेलेबल रहेंगी टू एनश्योर योर एप्लीकेशन इज़ रनिंग प्रॉपरली। उसके बाद बात करते हैं स्केलेबिलिटी की। तो स्केलेबिलिटी में दो चीज़ें आती हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्केलिंग। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि यार ये हॉरिजॉन्टल स्केलिंग और वर्टिकल स्केलिंग क्या होता है। तो वर्टिकल स्केलिंग एक्चुअली आपने बहुत बहुत यूज़ किया होगा, भले ही आपको इसकी टर्मिनोलॉजी ना पता हो कि इसको वर्टिकल स्केलेबिलिटी कहते हैं। तो मोस्टली आपने रैम खरीदा होगा, जो जो आप मोस्टली आपने लैपटॉप वगैरह खरीदा होगा जिसमें कि 2 GB या 4 GB रैम होता है, जो जिसको आप फिर अपग्रेड कर लेते हो मे बी हायर रैम पे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखोगे तो इनिशियली जैसे मेरे लैपटॉप में 8 GB रैम था, तो जो मैंने उसको स्केल अप कर लिया 16 GB रैम में, और जैसे मेरे पास जो स्पेस थी वो 1 TB डिस्क स्पेस थी, उसको मैंने अपग्रेड कर लिया 2 TB डिस्क स्पेस में। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने स्केल अप किया है और मैंने वर्टिकल स्केलेबिलिटी की है, यानी कि लैपटॉप मेरा वही है लेकिन जो बाकी कॉम्पोनेंट थे जैसे रैम 8 GB था उसको मैंने 16 GB कर लिया है, और हार्ड डिस्क जो मेरी थी वो 1 TB थी उसको मैंने 2 TB कर लिया। तो वो जो है वो आपका जो है वो वर्टिकल स्केलिंग है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऑफिशियल डेफिनेशन है वो ये है कि वर्टिकल स्केलिंग मीन्स इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ ए रिसोर्स फॉर एग्जाम्पल बाय यूजिंग अ लार्जर वीएम साइज। ठीक है, तो जैसे पहले आप जो वर्चुअल मशीन जो यूज़ कर रहे थे वो डिफरेंट साइज का था, अब जो है आप डिफरेंट साइज का लार्जर साइज का वीएम यूज़ कर रहे हो, जिसमें लेसे मोर नंबर ऑफ सीपीयूज हैं, मोर नंबर ऑफ रैम है, मोर नंबर ऑफ डिस्क हैं, तो दैट विल बी योर वर्टिकल स्केलेबिलिटी। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी। तो हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी में क्या होता है कि आप जो है हॉरिजॉन्टली चीज़ों को स्केल कर रहे हो। तो फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास 8 GB रैम थी पहले, आपने फिर एक नया 8 GB का और कंपोनेंट खरीदा और उसके बाद जैसे एक और खरीदा और बेसिकली इन तीनों को एडअप करके नाउ यू आर हैविंग 24 GB ऑफ रैम। सिमिलरली जो आपके डिस्क हैं आपने हॉरिजॉन्टली स्केल किया। तो जब आप लार्जर ऑर्गेनाइजेशन में या बड़े जो एप्लीकेशन पे काम करते हो जो कि बहुत ही रिसोर्स इंटेंसिव होती हैं, तो उस केसेस में वर्टिकल स्केलेबिलिटी की लिमिटेशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल आप जो है मैक्सिमम रैम जो है कितना कितना बड़ा हो सकता है, कितने साइज़ का हो सकता है मैक्स टू मैक्स रैम, उसकी कुछ ना कुछ एक अपर लिमिट होगी। और सिमिलरली जो एक डिस्क है वो कितनी एक जो डिस्क कितनी बड़े साइज़ की हो सकती है, उसकी भी कोई ना कोई एक अपर लिमिट होगी। लेकिन जब आप जाते हो हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी में तो उसकी लिमिटेशन नहीं होती है। आप जो है मोर नंबर ऑफ, फॉर एग्जांपल आप चाहे 1000 जो है 8 GB के रैम खरीद लो, चाहे 5000 खरीद लो, उसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल स्केल करना बहुत ईजी होता है बजाय कि वर्टिकल स्केलेबिलिटी करने के। अब यहाँ पे एक बार ऑफिशियल जो डेफिनेशन है उसको भी देख लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल स्केलिंग इज एडिंग न्यू इंस्टेंसिस ऑफ ए रिसोर्स सच एज वीएम और डेटाबेसिस रेप्लिकास। तो फॉर एग्जांपल पहले जो आपके पास एक वीएम था जैसे उसमें 8 GB रैम था, अब आपने एक और वीएम बना लिया जिसमें 8 GB रैम और है। अब आप जो है आप जो दो वीएम यूज़ कर रहे हो तो कुल मिला के उसमें जो 16 GB रैम है, और अगर आपको और रिसोर्सेज चाहिए तो आपने एक और तीसरा वीएम भी बना लिया जिसमें 8 GB रैम है। तो यानी अब आप ये जो तीन वीएम है आपके पास जिनके अगर कंबाइंड में रैम की बात करूँ तो वो 24 GB रैम है। अब बात करते हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे और हम लोग बात करते हैं कि वर्टिकल स्केलेबिलिटी और हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी क्या है और दोनों को कब यूज़ करते हैं, किसके क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस है। तो वर्टिकल स्केलेबिलिटी का क्या है कि यू कैन डू इट विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस टू द एप्लीकेशन। सबसे बड़ी इसकी जो एडवांटेज है वो ये है कि यू कैन डू इट विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस टू द एप्लीकेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर अगेन मैं बहुत सिंपल एग्जाम्पल जो हम बात कर रहे थे अपने लैपटॉप की, जैसे मेरा जैसे 8 GB का रैम है, तो मैंने 8 GB का रैम हटा के मैंने 16 GB का रैम खरीदा और अपने लैपटॉप में लगा दिया, तो मुझे और कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। सारे मेरे जो एप्लीकेशन थे जो भी चीज़ें थी वो एज इट इज़ चलती रहेंगी। अब रैम ज़्यादा है तो वो ज़्यादा रैम यूज़ करना शुरू कर देंगे और जो जो मेरी एप्लीकेशन वगैरह तो थोड़ा बेटर चलेंगी, थोड़ा स्मूथली चलेंगी। तो यानी कि आपको जो एप्लीकेशन में कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने जो जो वर्टिकल स्केल अप किया और आपकी एप्लीकेशन जो है वो उसने जो वर्टिकल जितना भी स्केल अप हुआ था वो रिसोर्सेज को यूज़ करना शुरू कर दिया। ठीक है, लेकिन हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग हैज सिग्निफिकेंट एडवांटेजेस ओवर वर्टिकल स्केलिंग। सबसे पहले अब इसमें देखते हैं ट्रू क्लाउड स्केल। एप्लीकेशन कैन बी डिजाइन टू रन ऑन हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ नोड्स रीचिंग स्केल्स दैट आर नॉट पॉसिबल ऑन अ सिंगल नोड। तो जैसा मैंने आपको बोला कि जो सिंगल नोड होता है या सिंगल लैपटॉप है, इसमें मैं कितने ज़्यादा से ज़्यादा कितने जो है कितने जो GB MB या टेराबाइट का जो है रैम डाल सकता हूँ, उसकी कोई ना कोई तो एक लिमिटेशन होगी, कोई ना कोई अपर लिमिट होगी। लेकिन अगर आप हॉरिजॉन्टली स्केल करते हो तो उसकी कोई अपर लिमिट नहीं है, आप जितने मर्जी चाहो ज़्यादा से ज़्यादा नोड ऐड करते रह सकते हो। नोड का जो काउंट है वो थाउजेंड्स में हो सकता है, तो आप जितना चाहो उतना जो है हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी अचीव कर सकते हो। तो आपका जो ट्रू जो क्लाउड की पावर है वो आपको हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में ही मिलती है। उसके बाद बात करते हैं हॉरिजॉन्टल स्केल इज इलास्टिक, यानी यू कैन ऐड मोर इंस्टेंसेस इफ लोड इंक्रीजेस और रिमूव देम ड्यूरिंग अ क्वाइटर पीरियड्स। तो ये देखो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कई बार ऐसे होता है कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट या अमेजोन की वेबसाइट होती है उस पर जब कोई एक पीक टाइम होता है, जैसे रेडमी सेल होती है या कोई भी जियोमी सेल या कोई भी सेल होता है, उस टाइम पे लोड बहुत आता है उस एप्लीकेशन पे, और वो पर्टिकुलर जो सेल होती है वो 5 या 10 मिनट की होती है। तो उस टाइम पे 10 मिनट सेल जो है बहुत ज़्यादा आता है, और क्योंकि उस 10 मिनट में जो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आता है उसका मतलब है कि आपको ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, जैसे कि CPU मेमोरी आपको ज़्यादा लगेंगे आपकी एप्लीकेशन को स्मूथली चलाने के लिए। तो उस 10 मिनट के लिए जो है आप ज़्यादा रिसोर्सेज जो कंज्यूम कर सकते हो, यानी हॉरिजॉन्टल स्केलिंग आप सिर्फ 10 मिनट के लिए कर सकते हो, और उसके बाद जैसे ही आपकी वेबसाइट पर जो ट्रैफिक कम होगा
आप जो जो स्केल डाउन कर सकते हो वापस अपने कंपोनेंट्स को, तो उसका बेनिफिट ये होगा कि आपको जो एडिशनल कॉस्ट थी वो सिर्फ उस 10 मिनट के लिए देनी पड़ेगी, और उसके बाद जो है आपको एडिशनल कॉस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेयर एज वर्टिकल स्केलेबिलिटी में क्या है, जैसे अगर मैंने एक वीएम बनाया था, उसमें जो 16 GB रैम था, मैंने जो वीएम स्केल अप कर दिया उसमें 32 GB रैम है। अब मेरी एप्लीकेशन तो वो एक सिंगल वीएम पे चल रही है, अगर मेरे को उसको रैम को कम या ज़्यादा करना है तो वो चीज़ है कि फ्लेक्सिबिलिटी जो है वर्टिकल स्केलेबिलिटी में नहीं होती है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, जो कि है स्केलिंग आउट कैन बी ट्रिगर्ड ऑटोमेटिकली इधर ऑन अ स्केड्यूलर और इन अ रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन लोड। तो इसमें क्या है कि आप स्केलिंग आउट जो है वो ट्रिगर लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप ये बोल सकते हो कि अगर मेरी एप्लीकेशन पे 1000 से ज़्यादा लोगों ने लॉग इन कर रखा है, तो उस केस में क्या हो, एक और नया वीएम जो है ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाए और मेरा लोड जो है आधा लोड उधर मूव हो जाए। तो उस टाइप की जो स्केलिंग आउट है वो जो है आप कर सकते हो बेस्ड ऑन सम कंडीशन और बेस्ड ऑन सम ट्रिगर। उसके बाद है स्केलिंग आउट मे बी चीपर देन स्केलिंग अप। ठीक है, बहुत से सिनेरियोज में क्या होता है स्केलिंग अप जो है वो बहुत जो बहुत स्केलिंग अप वर्टिकली की अगर बात करें वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। एक चीज़ गाइस, स्केलिंग आउट और स्केलिंग अप, ठीक है, तो स्केलिंग अप क्या होता है वर्टिकल स्केलेबिलिटी, स्केलिंग आउट क्या होता है हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी। तो अगर कहीं आप देखते हो वर्टिकल स्केलेबिलिटी या स्केलिंग अप तो उसका सेम ही मतलब है, और कहीं आप देखते हो हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी या स्केलिंग आउट तो उसका भी मतलब सेम ही है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, स्केलिंग आउट विल बी चीपर इन सम सिनेरियोस देन स्केलिंग अप, रनिंग सेवरल स्मॉल वीएम्स कैन कॉस्ट लेस देन अ सिंगल लार्ज वीएम। ठीक है, तो जनरली प्राइसिंग जो मॉडल में होता है वो भी यही होता है कि जो आपका मल्टीपल जो स्मॉलर वीएम है उसका जो प्राइस होगा वो कम होगा बजाय कि एक सिंगल लार्ज वीएम का। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी है वो बेटर है। नेक्स्ट पॉइंट है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कैन ऑल्सो इम्प्रूव रेजिलियंसी बाय एडिंग रिडंडेंसी इफ एन इंस्टेंट गोज डाउन द एप्लीकेशन कीप्स रनिंग। अब इसमें दो देखो दोस्तों, ये रिजिलियंसी का मतलब ये है कि बेसिकली आपकी एप्लीकेशन एक पर्टिकुलर किसी वीएम पे रिलाई नहीं करती। अब फॉर एग्जांपल इस केस में जैसे मेरे को 32 GB का एक सिंगल वीएम है जिसमें 32 GB रैम है और जैसे 32 CPU कोर है और जो आपकी एप्लीकेशन चल रही है, लेकिन आपकी बेसिकली एप्लीकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ वो सिंगल वीएम पे ही डिपेंड करती है। वेयर एज अगर मैं उसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, जैसे मेरे पास 4 VMware हैं जिसपे 8-8 GB रैम है, ठीक है, चारों को मिला के अभी भी मेरा जो टोटल रैम है वो 32 GB ही आ रहा है, लेकिन अगर मेरा एक VMware डिस्ट्रॉय होता है या एक VMware पे कोई प्रॉब्लम आती है तो भी मेरी एप्लीकेशन जो है रिमेनिंग 3 पे चलती रहेगी, रिमेनिंग 3 VMs पे चलती रहेगी। तो दैट विल इंश्योर कि आपकी एप्लीकेशन अगर एक वीएम में प्रॉब्लम आती है तो आपकी एप्लीकेशन डाउन नहीं होगी, जो कि वर्टिकल स्केलेबिलिटी में जो कि होती है आपकी एप्लीकेशन डाउन। अब मूव ऑन करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे विच इज स्केलेबिलिटी। यहाँ पे जो की नोट्स है स्केलेबिलिटी में उसकी बात कर लेते हैं। तो लेट्स सी, यहाँ लिखा हुआ है जस्ट एडिंग मोर इंस्टेंसेस डजेंट मीन एन एप्लीकेशन विल स्केल, हाउ एवर इट माइट पुश द बॉटलनेक समवेयर एल्स। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि यार अगर लेसे मैं स्केलिंग आउट कर रहा हूँ, यानी कि मैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल पहले मेरी एप्लीकेशन थी वो सिंगल वीएम पे चल रही थी, अब मैंने लेसे 2 VM खरीद लिए, तो ऑटोमेटिकली 2 VM ऐड होते ही मेरी जो एप्लीकेशन है वो बेटर परफॉर्म करना नहीं शुरू कर देगी। अगर हम हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कर रहे हैं तो हमें जो है एप्लीकेशन जो को उस हिसाब से उसको ध्यान में रख के डिज़ाइन करना पड़ता है कि हमारी ताकि हम जो स्केलिंग आउट यानी कि हॉरिजॉन्टल स्केलिंग है उसका बेनिफिट ले सके। तो ये बेसिकली वही बता रहा है कि फॉर एग्जांपल इफ यू स्केल अ वेब फ्रंट एंड टू हैंडल मोर क्लाइंट रिक्वेस्ट दैट माइट ट्रिगर लॉग कंटेंशन इन द डेटाबेस। फॉर एग्जांपल अब क्या है कि आपने जैसे ऐसा डिजाइन किया है कि जो आपकी वेब रिक्वेस्ट है, वेब रिक्वेस्ट के लिए जैसे आपने आपने आप बहुत सारे वेब रिक्वेस्ट आ रहे हैं और वहाँ पे जब डेटाबेस पे एक्चुअली प्रोसेसिंग होने के लिए जा रहा है वहाँ पे जैसे उसका जो साइज कम है या वहाँ पे आपने स्केलिंग आउट नहीं लगा रखी है, तो उस केसेस में वहाँ पे बेसिकली चोकिंग होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये जो आपको स्केलिंग आउट करना है उसके लिए एक प्रॉपर आपको एप्लीकेशन का डिज़ाइन उस हिसाब से ही करना पड़ेगा, सो यू कैन टेक एडवांटेजेस ऑफ दोज थिंग्स। अब आते हैं इन द क्लाउड द एबिलिटी टू टेक एडवांटेज ऑफ स्केलेबिलिटी डिपेंड्स ऑन योर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज। सम प्लेटफॉर्म सच एज क्यूबरनेटीज वर बिल्ट विद स्केलिंग इन माइंड, वर्चुअल मशीन्स ऑन द अदर हैंड मे नॉट स्केल एज इजिली ऑल दो स्केल ऑप्शन आर पॉसिबल। ठीक है, तो अगर आपको स्केलिंग आपको पता है कि यार मेरी जो मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि मुझे डिपेंडिंग ऑन द लोड या डिपेंडिंग ऑन द टाइम स्केल आउट करना पड़ सकता है, तो उस केसेज में जो है आपको जो है जैसे आप क्यूबरनेटीज यूज़ कर सकते हो,
या आप ऐसी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, ऐसे कंपोनेंट यूज़ कर सकते हैं जो कि इजीली स्केल आउट हो सकती हैं और जिसको स्केलिंग के पर्सपेक्टिव से ही या स्केलिंग को दिमाग में रख के ही या ध्यान में रख के ही डिज़ाइन की गई हैं। ठीक है, अगर आप वर्चुअल मशीन की बात करते हो तो वर्चुअल मशीन में थोड़ी सी लिमिटेशंस है, वो इतना स्मूथली आपका जो स्केल अप या स्केल डाउन नहीं होगा जितना कि क्यूबरनेटीज होता है। तो यहाँ पे लिखा है विद वर्चुअल मशीन्स यू मे वांट टू प्लान अहेड टू अवॉइड स्केलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन द फ्यूचर टू मीट डिमांड। अनदर ऑप्शन इज टू सेलेक्ट अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म सच एज अज्योर वर्चुअल मशीन्स स्केल सेट्स। ठीक है, तो एक होता है अज्योर वर्चुअल मशीन, एक होता है अज्योर वर्चुअल मशीन स्केल सेट्स। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब हम लोग एक्चुअली में कुछ प्रैक्टिकल इसका कर रहे होंगे, लेकिन आपको यहाँ पे बस याद ये रखना है कि स्केलेबिलिटी ऑटोमेटिकली डजेंट मीन कि यार आपने जो है 4 VM लगाया और आपकी एप्लीकेशन की सडनली स्पीड बढ़ गई। ठीक है, तो आपकी एप्लीकेशन जो डिज़ाइन होनी चाहिए वो भी उसके हिसाब से होनी चाहिए कि आप स्केलेबिलिटी का एडवांटेज ले सको। अब मूव ऑन करते हैं फिर से, अब चलते हैं सेकंड टॉपिक पे। तो जो पहला टॉपिक था जो आइडेंटिफाइंग द बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सच एज हाई अवेलेबिलिटी स्केलेबिलिटी इलास्टिसिटी एजिलिटी एंड डिजास्टर रिकवरी। ठीक है, तो इसमें से आई थिंक बहुत सी चीज़ें हमने कवर कर ली है। जस्ट वॉन्ट टू गो बैक टू चेक कि कुछ हम मिस तो नहीं कर रहे हैं। लेट मी जस्ट गो बैक, एक बार यहाँ चेक कर लेते हैं। ओके, तो हाँ, हम स्केलेबिलिटी तक हमने कंप्लीट किया था। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी का अभी हमने डिस्कशन नहीं किया था। इलास्टिसिटी बेसिकली क्या है? यू कैन कॉन्फिगर क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन टू टेक एडवांटेज ऑफ ऑटो स्केलिंग सो योर एप्स ऑलवेज हैव द रिसोर्सेज दे नीड। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि अगर जैसे आप जब मिडनाइट सेल करती है कोई अमेजोन या जैसे फ्लिपकार्ट, ठीक है, या जैसे आपने दोपहर में 2 बजे कोई ऑफर निकाला है अपनी वेबसाइट पे, उस टाइम पे आपको पता है कि ज़्यादा लोग मेरी वेबसाइट पे आएंगे तो आपको ज़्यादा रिसोर्सेज ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप जो है ऑटो स्केल करना चाहते हो। तो बेसिकली आपकी जो आपका जो पूरे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज़ इलास्टिक, आप उसको स्केल अप कर सकते हो। फिर एक बार आपकी ज़रूरत खत्म हो गई या ज़रूरत कम हो गई तो आपको उसके अकॉर्डिंगली उसको स्केल डाउन कर सकते हो। तो इट इज़ नॉट फिक्स्ड, इट इज़ इलास्टिक। ठीक है, जैसे कि रबड़ बैंड होता है उसको आप जो खींच के जो है खींच सकते हो, लंबा कर सकते हो, छोड़ोगे तो वो फिर से श्रिंक हो जाता है, तो दैट हैज सम इलास्टिसिटी। तो सिमिलरली ये जो है इसमें इलास्टिसिटी के गुण हैं बेसिकली। अब नेक्स्ट बात करते हैं वो है एजिलिटी। एजिलिटी क्या बोलता है कि डिप्लॉय एंड कन्फिगर क्लाउड बेस्ड रिसोर्सेज क्विकली एज योर एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट चेंजेस। तो यानी कि यार एप्लीकेशन जो आज के टाइम में है वो उसकी रिक्वायरमेंट बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे आज आपने एप्लीकेशन बनाया है जिसपे कुछ एक्स अमाउंट ऑफ लोड है, कल को हो सकता है आपको एप्लीकेशन का डिज़ाइन चेंज करना पड़े, आर्किटेक्चर चेंज करना पड़े, आपको जो है नए उसमें सॉफ्टवेयर नया बैकएंड इंट्रोड्यूस करना पड़े। तो वो जो चीज़ें हैं, वो जो चेंजेस है, वो बहुत क्विकली जो है आप यूजिंग क्लाउड जो है यूज़ कर सकते हो, आप डिफरेंट कॉम्पोनेंट जो है डिप्लॉय कर सकते हो। तो वो जो एजिलिटी है, ठीक है, दैट इज़ वॉट इज़ देयर इन क्लाउड। उसके बाद आते हैं जियो डिस्ट्रीब्यूशन। तो जियो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? डिप्लॉइंग एप्लीकेशन टू रीजनल डेटा सेंटर्स टू गेट द बेस्ट परफॉर्मेंस। अब क्या है कि जैसे अज्यूम कीजिए आप इंडिया में रह रहे हैं, लेकिन आपका जो है आपने कोई ऐसी एप्लीकेशन बनाई है जो कि वर्ल्ड वाइड यूज़ होती है। अब अगर आपकी एप्लीकेशन जैसे अमेरिका से एक्सेस की जा रही है तो आपकी एप्लीकेशन ऑब्वियसली थोड़ी सी स्लो चलेगी उनके मुकाबले जो कि इंडिया में रह के आपकी एप्लीकेशन एक्सेस कर रहे हैं या आपकी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं। उसका रीज़न क्या है कि आपका जो सर्वर है जिस पे आपकी एप्लीकेशन होस्ट कर रही है वो तो जैसे वो इंडिया में है, तो इंडिया से बाहर के लोगों को जो परफॉर्मेंस में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अब क्लाउड में क्या है, क्लाउड में जब आप VM सेटअप करते हो, वर्चुअल मशीन लेते हो या कोई सर्वर सेटअप करते हो, तो आप जो है डिफरेंट रीजन के सर्वर ले सकते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एक सर्वर जो खरीदा वो मैंने खरीदा US का, सेकंड सर्वर जो मेरा है वो मे बी डिफरेंट रीजन का हो सकता है, तो आपका जो ट्रैफिक US का ट्रैफिक होगा तो US का जितना भी ट्रैफिक होगा वो US रीजन पे जाएगा, वहाँ से वो सारा ट्रैफिक हैंडल होगा। तो उस केस में जो परफॉर्मेंस मिलेगी US के व्यूअर्स को या सिटीजन्स को वो भी इट विल बी एज गुड एज समान जो कि आपकी साइट इंडिया से या किसी भी कंट्री से एक्सेस कर रहा है। तो दैट इज़ अबाउट जियो डिस्ट्रीब्यूशन। आप डिपेंडिंग ऑन कौन से जियोग्राफी पे आपका जो आपके प्लेटफॉर्म या एप्लीकेशन एक्सेस होने वाले हैं उसके हिसाब से आप जो अपने कंपोनेंट्स हैं या सर्वर्स हैं उसको जो है उस जियोग्राफी के अकॉर्डिंगली खरीद के डिप्लॉय कर सकते हो। अब बात करते हैं डिजास्टर रिकवरी की। तो डिजास्टर रिकवरी क्या बोलता है? टेकिंग एडवांटेज ऑफ क्लाउड बेस्ड बैकअप सर्विसेज डेटा रेप्लिकेशन एंड जियो डिस्ट्रीब्यूशन। यू कैन डिप्लॉय योर एप्लीकेशन विद द कॉन्फिडेंस दैट कम्स फ्रॉम नोइंग दैट योर डेटा इज सेफ इन द इवेंट ऑफ डिजास्टर। तो
तो यानी कि जो क्लाउड के फीचर्स हैं, जैसे कि क्लाउड बेस्ड बैकअप सर्विसेज, तो क्लाउड में अगर आप कुछ खरीदते हो तो आप ऑटो बैकअप वगैरह इनेबल कर सकते हो। उसके बाद है डेटा रेप्लिकेशन, आप डेटा रेप्लिकेशन इनेबल कर सकते हो। अगेन कुछ ऐसी, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो माइट भी आपको कम कॉस्ट करे, तो वो सब चीज़ें हैं। यहाँ पे हम कॉस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन फीचर जो है आपके बैकअप सर्विसेज फीचर अवेलेबल हैं, डेटा रेप्लिकेशन फीचर अवेलेबल है, जियो डिस्ट्रीब्यूशन फीचर अवेलेबल है। तो यानी कि अगर आपका जो जैसे कि जैसा हमने बात किया था पिछले एग्जांपल में, फॉर एग्जांपल ऐसे आपका डेटा सेंटर है, अगर फ्लड आता है या जैसे कोई आग लगती है डेटा सेंटर में, तो आपका वो सारे का सारा डेटा लॉस हो सकता है अगर आपका बैकअप नहीं होगा। तो इस केस में क्योंकि हम क्लाउड जो है वो बैकअप लेकर रखेगा, तो उस केसेस में आपका बेसिकली जो है रिकवरी जो है डेटा की, लॉस डेटा की, बहुत ही क्विकली हो जाएगी। उसके बाद जो है डेटा रेप्लिकेशन, फॉर एग्जांपल ऐसे आपने कुछ डेटा आपने US में रखा हुआ है, कुछ डेटा आपने रखा हुआ है UK में, कुछ डेटा आपने रखा हुआ है उसी की सेम कॉपी आपने रखी हुई है इंडिया में, तो यानी अगर एक कंट्री या एक ज्योग्राफी में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई डिजास्टर होता है, तो आपका जो डेटा है वो दूसरे ज्योग्राफी में एक्सेसिबल रहेगा। यानी कि आपको जो है बेसिकली आपका डेटा लॉस के चांसेस बहुत कम है, आपको डेटा रिकवरी करने के चांसेस बहुत ही हाई है किसी भी डिजास्टर में। तो दैट इज ऑल अबाउट डिजास्टर रिकवरी। अब मूव ऑन करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक इज ऑल अबाउट आइडेंटिफाइंग द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। तो कैपेक्स क्या होता है एंड ओपेक्स क्या होता है। आपने देखो ये क्लाउड की जब भी आप बात करोगे, आप ये टर्मिनोलॉजी जो है कैपेक्स एंड ओपेक्स बहुत सुनोगे। आप सुनोगे कि यार जो क्लाउड है दैट इज ओपेक्स और इसके बहुत बेनिफिट हैं। ठीक है, तो इसको एक बार समझ लेते हैं, कैपिटल एक्सपेंसिस वर्सेज ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस। तो कैपिटल एक्सपेंसिस क्या है? कैपिटल एक्सपेंसिस द अपफ्रंट स्पेंडिंग ऑफ मनी ऑन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड देन डिडक्टिंग दैट अपफ्रंट एक्सपेंसिस ओवर टाइम। द अपफ्रंट कॉस्ट फ्रॉम कैपेक्स हैज अ वैल्यू दैट रिड्यूसिस ओवर टाइम। तो बेसिकली अगर मोटा मोटा आपको लेमन लैंग्वेज में ये बताऊं कि यार अगर आपको जैसे एक सर्वर चाहिए जिस पे आप अगले 5 साल के लिए जो है एप्लीकेशन डिप्लॉय करना चाहते हो, तो आपको जितनी भी रिक्वायरमेंट है 5 साल की, तो वो सारा का सारा बेसिकली आपको वो अपफ्रंट जो कॉस्ट देनी पड़ेगी, अपफ्रंट आपको वो चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी टू सेटअप एवरीथिंग। ठीक है, अब ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर क्या बोलते हैं? स्पेंडिंग मनी ऑन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स नाउ एंड बीइंग बिल्ड फॉर देम नाउ। तो बेसिकली आप उसी सर्विसेज या आप उसी चीज़ों को खरीदते हो जिसकी आपको अभी ज़रूरत है, आप उसी का पैसा देते हो और उसको यूज़ करते हो। वेयर एज फॉर एग्जाम्पल ऐसे आपकी एक एप्लीकेशन है जिसमें आपको पता है कि फर्स्ट ईयर में मेरा जो है उस पर जो लोड रहेगा वो सिर्फ 1 मिलियन यूजर्स आने वाले हैं, नेक्स्ट ईयर जो है 10 मिलियन यूजर्स आएंगे, थर्ड ईयर में मे भी 30 मिलियन आएंगे। तो यानी आपको पता है कि अगले 5 साल में मेरा जो टोटल लोड है वो एप्लीकेशन पे 50 मिलियन हो सकता है। तो आपको जो लगभग जो आपको एप्लीकेशन डिज़ाइन करना होता है या इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदना होता है, वो सारा जो है उसके हिसाब से जो खरीदना होता है, और आपका जो इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है बहुत हाई होता है। ओपेक्स बहुत सा सीधा सा फंडा है, देर इज़ नो अपफ्रंट कॉस्ट एज यू पे फॉर योर सर्विस और प्रोडक्ट एज यू यूज़ इट। तो आप उतना ही पे करोगे या उतना ही बेसिकली जितना आपने यूज़ किया उतना पे करोगे, या जितना आपने पे किया उसी के हिसाब से आप यूज़ करोगे। बहुत सिंपल सा फंडा है। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज़ अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ कंजम्पशन बेस्ड मॉडल। तो डिस्क्राइब द कंजम्पशन बेस्ड मॉडल। ठीक है, तो कंजम्पशन बेस्ड मॉडल क्या है उसकी बात हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे। अब कंजम्पशन बेस्ड मॉडल क्या है, नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है, कंजम्पशन यानी कि आप कंज्यूम कर रहे हो, बेस्ड मॉडल उसके हिसाब से ये जो पूरा मॉडल सेटअप किया है। तो कंजम्पशन बेस्ड मॉडल कहता है नो अपफ्रंट कॉस्ट। तो यानी कि मैं अपफ्रंट कुछ नहीं दूंगा। अगर जैसे मेरे को एक सर्वर खरीदना है और उसको 5 साल के लिए चलाना है, तो मैं यार मैं उसको जो है पेमेंट उसकी 5 साल की नहीं करूंगा। मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ तो अभी जो है जितना मैं यूज़ करूंगा उसी के हिसाब से मैं पेमेंट करूंगा। और अगर मेरे को अभी जैसे सिर्फ 10 GB स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है, तो मैं सिर्फ 10 GB के पैसे पे करूंगा। अगर मैं ज़्यादा यूज़ करूंगा तो मैं ज़्यादा पेमेंट करना शुरू करूंगा। तो और उसको सेटअप वेटअप करने के लिए आपका अपफ्रंट कोई भी कॉस्टिंग नहीं होती है। उसके बाद आते हैं नो नीड टू परचेज एंड मैनेज कॉस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर दैट यूजर्स माइट नॉट यूज़ टू इट्स फुलेस्ट। तो ये अगेन सीधा संबंध है, इसमें दो टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगेन जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया था कि पुराने ज़माने में अगर आपको जो एप्लीकेशन चलानी है तो आपको सर्वर लेना पड़ता था, फिर आपको जो है कुछ
कोई घर रेंट पे लेना पड़ता था या ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर रेंट पे लेना पड़ता था जिसमें फिर एसी वेसी फलाना ढिमका लगा होगा। तो एक तो आपकी वो उस टाइप की जो कॉस्टिंग है वो बचती है, सेकेंडली आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे आपने सर्वर लेसे खरीद लिया, आपने सोचा कि आपका जो है इस साल जो लोड आने वाला है एप्लीकेशन पे वो आने वाला है लेसे 1 मिलियन यूजर्स का, उसके हिसाब से आपने बहुत ही हाई एंड जो सर्वर खरीद लिया जिसमें बहुत ही ज़्यादा रैम थी, बहुत ज़्यादा सीपीयू थे, बहुत ज़्यादा डिस्क स्पेस थी, बहुत ज़्यादा जो कंप्यूटिंग पावर थी उसकी बहुत ज़्यादा हाई थी, लेकिन आपने देखा कि एक्चुअली जब आपका प्रोजेक्ट लाइव हुआ तो यू आर नॉट गेटिंग द सेम पीपल सेम ट्रैफिक विच यू आर एक्सपेक्टिंग। तो बेसिकली आपके रिसोर्सेज जो है आइडल बैठे हुए हैं और आपके जो कंप्यूटिंग पावर तो आप यूज़ कर नहीं रहे हो, लेकिन आपने सारा का सारा जो पैसा उनको खरीदने पर लगा दिया और जिसका आप यूज़ भी नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो यू आर नॉट यूजिंग दो सर्वर्स और दोज इंफ्रास्ट्रक्चर टू इट्स फुल कैपेसिटी। अगेन ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, रियल लाइफ एग्जाम्पल में वी डोंट टॉक अबाउट वन सर्वर्स और वी टॉक अबाउट यू नो कंप्लीट डेटा सेंटर्स और नंबर ऑफ सर्वर्स और नंबर ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस विच इज बीइंग यूज्ड। अब उसके बाद है द एबिलिटी टू पे फॉर एडिशनल रिसोर्सेज व्हेन दे आर नीडेड। ये सबसे बेस्ट है कंजम्पशन बेस्ड मॉडल की, आपको यार तभी पे करना है या आपको अगर आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो तभी आपको पे करने की ज़रूरत है, अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा फंडा है। नेक्स्ट है द एबिलिटी टू स्टॉप पेइंग फॉर रिसोर्सेज दैट आर नो लॉन्गर नीडेड। अगेन ये भी है कि अगर जैसे मेरे को अभी जो है 100 GB रैम की ज़रूरत थी और 100 GB यू नो मेरे को अभी 5 VM वर्चुअल मशीन की ज़रूरत थी, तो मैंने अभी तो 5 यूज़ किए, लेकिन जैसे कल को मेरी वो जो रिक्वायरमेंट है मुझे 5 वर्चुअल मशीन की ज़रूरत नहीं है या CPU जितने मैंने अभी रखे हैं उसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं क्विकली डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ चीज़ों को और मेरी जो बिलिंग है वो कम हो जाएगी। तो द एबिलिटी टू स्टॉप पेइंग फॉर रिसोर्सेज, जो आपकी एबिलिटी है कि अब आपको उन चीज़ों के लिए पे नहीं करना है जो कि आप यूज़ नहीं करते हो, वो आपकी जो है इंक्रीज हो जाती है। अब चलते हैं बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो होपफुली ये जो चारों पॉइंट्स है बहुत ईजिली आपको समझ में आ गए होंगे, कंजम्पशन बेस्ड मॉडल और चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज नाउ टॉकिंग अबाउट डिस्क्राइब क्लाउड कॉन्सेप्ट, डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन कैटेगरीज ऑफ क्लाउड एंड सर्विसेज, ठीक है। तो सेक्शन अभी भी हमारा वही है जो पहला सेक्शन जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, नाउ व टॉपिक इज डिफरेंट, डिस्क्राइबिंग द डिफरेंस बिटवीन कैटेगरीज ऑफ क्लाउड सर्विसेज। तो जो क्लाउड सर्विसेज हैं अगर उस सबको हम डिवाइड कर दें या सबको जो है हम स्प्लिट करना चाहें या कैटेगराइज करना चाहें, तो आप उनको कुछ इस तरह से कैटेगराइज कर सकते हो। एक हो गया आपका IaaS जिसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, तो यानी कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एज अ सर्विस यूज़ कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि यार मुझे वर्चुअल मशीन चाहिए, तो वो वर्चुअल मशीन क्या है, वर्चुअल मशीन बेसिकली आपका सर्वर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो आपको वो जो सर्वर है वो आपको एज अ सर्विस मिल गया, आपने सिर्फ आपने पे किया और आपने VM क्रिएट कर लिया, तो दैट इज़ यू आर यूजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। लेकिन अब उस पे उस वर्चुअल मशीन पे आपने कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डाला हुआ है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करना, उसको पैचिंग करना, उसको अपडेट करना, वो जिम्मेवारी है वो आपकी है। उसके बाद सेकंड आता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस बहुत सिंपल है कि आपको पूरे का पूरा जो प्लेटफॉर्म है वो एज अ सर्विस मिल रहा है, और इस केस में आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन चलाने की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन जो प्लेटफॉर्म को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी नहीं है, वो आपको एज अ सर्विस मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे हो सकता है कि अगेन इसके एग्जाम्पल के लिए हम इस लिंक को यूज़ करेंगे, उसमें फिर हमें कुछ जो अच्छे एग्जाम्पल मिलेंगे हम उसको वॉक थ्रू करेंगे। अगेन मैं बोलूँगा आप इस लिंक पे जाइए क्योंकि ये जो टॉपिक है ये एक एग्जाम्पल से क्लियर होने वाला टॉपिक नहीं है, तो उसको यहाँ पे आप एक बार जरूर जाइए और एक बार उसको स्टडी कीजिए। उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल है SaaS विच इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, SaaS सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्या है कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हो, आप बेसिकली डायरेक्टली सॉफ्टवेयर जो है कंप्लीट जो सॉफ्टवेयर है वो एज अ सर्विस यूज़ कर रहे हो, आपको ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर वो किस प्लेटफॉर्म पे चल रहा है ना तो आपको उसके लिए वरी करने की जरूरत है, ना वो किस इंफ्रास्ट्रक्चर पे चल रहा है उसके लिए आपको वरी करने की जरूरत है। यू आर यूजिंग दैट सॉफ्टवेयर और आपको सिर्फ जो डेटा है उससे आपको मतलब है और बाकी किसी भी चीज़ों से मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑफिस 365 की जितनी भी सर्विसेज हैं जो कि पब्लिकली अवेलेबल है, फॉर एग्जाम्पल आपका ऑफिस 365 एक्सेल हो गया, तो वो सब जो है वो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के एग्जाम्पल हैं। तो उस केस में जो है आपको वो सॉफ्टवेयर कहाँ पे इंस्टॉल है, किस प्लेटफॉर्म पे इंस्टॉल है, उन सब की आपको ज़रूरत नहीं है जानने की। यू जस्ट नीड टू बॉदर अबाउट कि आपका क्या डेटा है, आपने उस जो है एप्लीकेशन या जो
एक्सेल है, या जो अगर आप लेसे वर्ड यूज़ कर रहे हो, पावर पॉइंट यूज़ कर रहे हो, आपको जस्ट नीड टू थिंक ऑफ कि क्या आपका डेटा प्रॉपरली सिक्योर है, सेफ है। आपको जस्ट उस चीज़ की ज़रूरत होती है, बाकी जो चीज़ों की आपकी आपको यू डोंट नीड टू केयर अबाउट और बॉदर अबाउट। अब चलते हैं एक बार इस लिंक को फॉलो करते हैं और देखते हैं कि इस लिंक में क्या है। तो इसको मैं ओपन करता हूँ इसको क्रोम ब्राउजर में। लेट मी कॉपी एंड गो हेयर। तो दोस्तों एक चीज़ मैं भूल गया था, अगर आप जो है डाउनलोड एग्जाम स्किल आउटलाइन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो आपका स्किल इसमें पूरा बताया हुआ है कि ये 20 to 25% जो है ये वाला जो डिस्क्राइब क्लाउड कॉन्सेप्ट है उसमें सब टॉपिक्स कौन से हैं। तो इस टाइम पे आपने देखा होगा ये वाला टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, और इस टाइम पे हम लोग ये वाला टॉपिक कवर कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस क्या है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस क्या है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस क्या है, सर्वरलेस कंप्यूटिंग क्या है, इसकी बात करेंगे। उसके बाद जो है हम लोग ये नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पे देखते हैं डिस्क्राइब डिफरेंट क्लाउड सर्विसेज में क्या आता है। तो जैसे हमने बोला IaaS इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, तो यहाँ पे क्या बोलता है, दिस क्लाउड सर्विस मॉडल इज द क्लोजेस्ट टू मैनेजिंग फिजिकल सर्वर, ठीक है। तो इट इज सेम लाइक वेरी क्लोज टू लाइक हाउ यू मैनेज योर ट्रेडिशनल फिजिकल सर्वर। ओनली चीज इसमें ये है कि आपको जो फिजिकल जो सर्वर आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, बट आपको सर्वर मिल गया है, लेकिन उसके बाद क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेनेंस, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन या बाकी चीज़ें हैं उसका जो टेक केयर है आपको खुद करना पड़ता है। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में क्या है, क्लाउड सर्विस मॉडल इज अ मैनेज्ड होस्टिंग एनवायरनमेंट। द क्लाउड प्रोवाइडर मैनेजेस द वर्चुअल मशीन एंड नेटवर्किंग रिसोर्सेज एंड द क्लाउड टेनेंट डिप्लॉयज देयर एप्लीकेशन इनटू द मैनेज्ड होस्टिंग एनवायरनमेंट। तो आप जो अपनी एप्लीकेशन है वो आप यहाँ डिप्लॉय कर देते हो, आपको जो है अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी जो उस वो कैसे मैनेज हो रहा है उसकी आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अजियोर एप्लीकेशन सर्विसेज प्रोवाइड्स अ मैनेज्ड होस्टिंग एनवायरनमेंट। तो एक यहाँ पे अजियोर एप्लीकेशन में होता है मैनेज होस्टिंग एनवायरनमेंट, जहाँ पे डेवलपर जो है जाके अपनी वेब एप्लीकेशन है वो जाके अपलोड कर सकते हैं विदाउट हैविंग टू वरी अबाउट द फिजिकल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। तो बहुत से एक्चुअली अगर आपने जैसे अपने अगर होस्टिंगर वगैरह पे अपनी एप्लीकेशन वगैरह डिप्लॉय की है तो वो काइंड ऑफ जो है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस टाइप का ही कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। उसके बाद आते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस SaaS। इसमें क्या बोला है कि इन द क्लाउड सर्विस मॉडल द क्लाउड प्रोवाइडर मैनेजेस ऑल एस्पेक्ट ऑफ द एप्लीकेशन एनवायरनमेंट सच एज वर्चुअल मशीन नेटवर्किंग। तो यानी कि आपका ये जो दोनों प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस IaaS है ये दोनों जो है वो तो पूरे का पूरा जो है जो क्लाउड प्रोवाइडर है वो मैनेज करने वाला है, और आपको जो इनफैक्ट जो सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल है वो दैट इज ऑल्सो इज गोइंग टू बी मैनेज्ड बाय क्लाउड प्रोवाइडर। और यहाँ पे एग्जाम्पल वो सेम एग्जाम्पल है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 जो है प्रोवाइड्स अ फुली वर्किंग वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दैट रन इन द क्लाउड। ऑल यू नीड टू डू इज क्रिएट योर कंटेंट एंड ऑफिस 365 टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग एल्स। तो यानी कि अगर आप जो ऑफिस 365 में पावर पॉइंट यूज कर रहे हो, सो यू ऑल नीड टू वरी अबाउट इज क्रिएटिंग योर पावर पॉइंट स्लाइड्स और प्रिपेयरिंग योर डेटा। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि यार मेरा पावर पॉइंट कैसे चल रहा है, पावर पॉइंट डाउन हो गया तो, पावर पॉइंट क्रैश हो गया तो, वो सारा जो मैनेज है दैट विल बी टेकन केयर बाय योर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। उसके बाद अगेन ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं IaaS देखोगे तो IaaS जो है आपका जो बेसिकली आपका डेटा सेंटर नेटवर्किंग सर्वर स्टोरेज इतना जो है मैनेज करता है। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम और जो डेवलपमेंट टूल्स है ये सारे मैनेज हो करता है आपका क्लाउड प्रोवाइडर। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में आपका जो है होस्टेड एप्लीकेशन ऐप्स ये सारी आइटम जो है वो आपका क्लाउड प्रोवाइडर जो है वो मैनेज करता है। अगेन जो ये तीनों जो आपका जो तीनों सर्विस मॉडल्स हैं IaaS PaaS SaaS, इनके अपने अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं, एक बार क्विकली इनको भी वॉक थ्रू करते हैं। तो IaaS में क्या है एडवांटेज, नो कैपेक्स। तो नो कैपेक्स तो गाइज जो है वो सीधा सा क्लाउड का एडवांटेज है, चाहे आप IaaS पे जाओ, PaaS पे जाओ या SaaS पे जाओ, नो कैपेक्स आप देखोगे ये सब में ही है। यानी जो क्लाउड अगर आप यूज़ कर रहे हो तो सीधा सा फंडा है नो कैपेक्स। यूज़र हैव नो अपफ्रंट कॉस्ट, आपकी कोई अपफ्रंट ऐसी कॉस्टिंग नहीं है, आप उतना ही पे करोगे जितना आप यूज़ करोगे। एजिलिटी, एप्लीकेशन कैन बी मेड एक्सेसिबल क्विकली एंड डी प्रोविजन वेन एवर नीडिड। तो यानी कि आपने जब मन किया आपने VM क्रिएट किया, जब आपको यूज़ नहीं करना है आप उसको डिस्ट्रॉय करो। मैनेजमेंट, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल अप्लाइज, द यूजर मैनेजेस एंड मेंटेन्स द सर्विसेज दे हैव प्रोविजन एंड द क्लाउड प्रोवाइडर मैनेजेस एंड मेंटेन्स द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो यानी कि जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्लाउड प्रोवाइडर मैनेज करेगा, उसके बाद जो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको खुद से जो है
मैनेज करनी है। उसके बाद है कंजम्पशन बेस्ड मॉडल, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन पे ओनली फॉर व्हाट दे यूज एंड ऑपरेट अंडर एन ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर मॉडल, तो उतना ही पे करते हो जितना आपको यूज़ करना है। ये चीज़ें जो है बार बार इसलिए आ रही हैं क्योंकि इसके रिलेटेड जो है काफ़ी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में या आपका जो सर्टिफिकेट असेसमेंट है, तो ये जो टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट है। आप कोशिश कीजिए एक बार इसको, इस लिंक पे जाके इसको पढ़िए और इसको अच्छे से इसको समझने की कोशिश कीजिए और इसको डाइजेस्ट कीजिए कि ये क्या बोल रहे हैं। उसके बाद है स्किल्स, नो डीप टेक्निकल स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू डिप्लॉय यूज एंड गेन द बेनिफिट्स ऑफ अ पब्लिक क्लाउड, तो आपको कोई ऐसी एक्सपर्टाइज की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया पूरा जो क्लाउड है वो बहुत चीज़ों को सिंप्लीफाई कर देता है। तो अगर आपको मैं बोलूँ सर्वर सेटअप करने को या जैसे यूनिक्स इंस्टॉल करने को, तो मैं भी वो चीज़ें शायद आपको नहीं आती हो, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि यार अजियोर पे जाके एक जो वर्चुअल मशीन क्रिएट कर दो, एक सर्वर क्रिएट कर दो जिस पे कि रेड हैट इंस्टॉल हो, तो वो चीज़ करना बहुत आसान है। एक बार आपने क्लाउड जो है, क्लाउड का अगर 5 मिनट का मैंने आपको दिखा दिया कि वो कैसे करना है, तो यू कैन जस्ट गो टू portal.azure.com और वहाँ पे जाके इट इज़ जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, क्लिक हेयर एंड देयर। उसके बाद जो है आप जो भी आपको कॉन्फ़िगरेशन चाहिए उसके हिसाब से आप सेटअप कर सकते हैं। इट इज़ कोई बहुत ज़्यादा आपको तगड़ा जो है एक्सपर्टाइज की जरूरत नहीं होती है इस केसेज में। उसके बाद है क्लाउड बेनिफिट्स, ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज द स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज ऑफ द क्लाउड प्रोवाइडर टू इंश्योर वर्कलोड्स आर मेड सिक्योर एंड हाईली अवेलेबल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अगेन अगर आपके पास जो है क्लाउड बेनिफिट्स में आपको ऑर्गेनाइजेशन, आप बेसिकली एज अ ऑर्गेनाइजेशन यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ क्लाउड प्रोवाइडर, उनकी एक्सपर्टाइज हैं वो आपको मिलेंगी। फ्लेक्सिबिलिटी, IaaS इज द मोस्ट फ्लेक्सिबल क्लाउड सर्विस बिकॉज यू हैव कंट्रोल टू कन्फिगर एंड मैनेज द हार्डवेयर रनिंग योर एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी, आप बेसिकली देखो जितना ज़्यादा आप लोअर लेवल पे जा रहे हो, यानी कि आप अगर IaaS यूज़ कर रहे हो तो आपका जो कंट्रोल है ज़्यादा है, PaaS यूज़ कर रहे हो तो कंट्रोल थोड़ा कम हो जाएगा, SaaS यूज़ कर रहे हो कंट्रोल और भी कम हो जाएगा। अब मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, नो कैपेक्स सेम है, एजिलिटी सेम है, कंजम्पशन बेस्ड मॉडल सेम है, स्किल्स, क्लाउड बेनिफिट्स, प्रोडक्टिविटी, ऑलमोस्ट देखोगे सारी चीज़ें सेम है। डिसएडवांटेज यहाँ पे देख लेते हैं, डिसएडवांटेज क्या है, प्लेटफॉर्म लिमिटेशंस, देयर कैन बी सम लिमिटेशंस टू अ क्लाउड प्लेटफॉर्म दैट माइट अफेक्ट हाउ एन एप्लीकेशन रन्स व्हेन यू आर इवेल्युएटिंग विच PaaS प्लेटफॉर्म इज बेस्ट सुटेड फॉर अ वर्कलोड, बी श्योर टू कंसिडर एन लिमिटेशन इन दिस एरिया। तो जितने भी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस जो हैं, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस सर्विसेज हैं, उसकी जो है कुछ लिमिटेशन हो सकती है, तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट टू यूज़ यू नीड टू मेक श्योर कि वो लिमिटेशन जो है आपने अच्छे से देख ली हैं एंड यू आर नॉट गोइंग टू फेस एनी प्रॉब्लम विद दोज लिमिटेशंस। बात करते हैं SaaS की, तो अगेन इसमें भी जो सारी चीज़ें सेम हैं, फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा है बिकॉज यूज़र कैन एक्सेस द सेम एप्लीकेशन डेटा फ्रॉम एनीवेयर और आपको जो मैनेज वगैरह करने की, जो कम से कम चीज़ें मैनेज करने की जरूरत पड़ती हैं। डीप टेक्निकल स्किल्स की जरूरत नहीं है टू डिप्लॉय यूज एंड गेन द बेनिफिट्स ऑफ SaaS। डिसएडवांटेज यहाँ के है सॉफ्टवेयर लिमिटेशन, देयर कैन बी सम लिमिटेशन टू अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट माइट अफेक्ट हाउ यूजर्स वर्क बिकॉज यू आर यूजिंग एज इज सॉफ्टवेयर, यू डोंट हैव डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ फीचर्स। फॉर एग्जाम्पल ऐसे कोई सॉफ्टवेयर है, अगर उसको आप जो है अपने सर्वर पर इंस्टॉल करते हो तो आप उसके बहुत से पैरामीटर चेंज कर सकते हो, उसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो उस हिसाब से जो कि आपकी रिक्वायरमेंट है, जो कि इस केसेस में, इस केस में करना है, SaaS के केस में करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, कुछ सिनेरियो में ऐसा भी हो सकता है ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे देखते हैं क्लाउड सर्विस मॉडल कंपैरिजन, तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा कंपैरिजन दिया हुआ है, इसमें बताया हुआ है कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में आप क्या मैनेज करते हो, तो आप देखते हो यू मैनेज यानी कि डेटा एंड एक्सेस, जब आप सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यूज़ करते हो तो आप सिर्फ डेटा एंड एक्सेस मैनेज करते हो, बाकी सारा कुछ एप्लीकेशन रन टाइम, ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन से सर्वर पे चलेगा, कौन से वर्चुअल मशीन पे चलेगा, क्या कंप्यूटिंग यूज़ करेगा, क्या नेटवर्किंग, क्या स्टोरेज यूज़ करेगा, सारा का सारा जो मैनेजमेंट है आपका क्लाउड प्रोवाइडर मैनेज करता है। अगर आप यूज़ करते हो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, तो जैसे जैसे बेसिकली हम जो है ऑन प्रिमाइज से इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर से प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म से SaaS की तरफ मूव करते जाते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती जाती है, क्लाउड प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है। तो बहुत सिंपल सा डायग्राम है, आई थिंक देर इज नॉट मच टू एक्सप्लेन हेयर, यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस, बट इसको एक अच्छे से आप याद कर लीजिए। कुछ क्वेश्चन हैं वो इसमें से आ सकते हैं कि जैसे कि SaaS के सर्विस में हु मैनेजेस वर्चुअल मशीन, तो उस केस में आपको बताना पड़ेगा कि वर्चुअल मशीन इज मैनेज बाय क्लाउड प्रोवाइडर। अब बात करते हैं व्हाट इज सर्वरलेस कंप्यूटिंग, तो सर्वरलेस कंप्यूटिंग जो है दैट इनेबल्स डेवलपर टू बिल्ड एप्लीकेशन फास्टर बाय एलिमिनेटिंग द नीड फॉर देम टू मैनेज इंफ्रास्ट्रक्चर।
अब सर्वरलेस कंप्यूटिंग क्या बोलते हैं, वो बोलता है कि देखो आपको पाइथन प्रोग्राम चलाना है तो ठीक है, आपने आपने जो है सर्वरलेस कंप्यूटिंग यूज़ करके अपना पाइथन प्रोग्राम जो है स्केड्यूल कर दिया, और आपने बोला कि ये पाइथन प्रोग्राम है एवरी आवर चले, तो उस केस में आपका जो एवरी आवर, जब भी वो ट्रिगर पॉइंट, एवरी आवर ट्रिगर पॉइंट आपका जब बेसिकली दैट इज कॉल्ड अ ट्रिगर पॉइंट, तो वो ट्रिगर पॉइंट मैच करेगा तो उस केस में ऑटोमेटिकली जो सर्वर प्रोविजन होगा आपका जो पाइथन कोड चलेगा और फिर जो सर्वर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यानी कि सर्वर, इसको बोला सर्वरलेस कंप्यूटिंग जाता है बिकॉज आप जो है आपको जो है बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि बैक एंड बिहाइंड द सीन एक सर्वर कन्फिगर हो रहा है, प्रोविजन हो रहा है या डीकमीशन हो रहा है, वो सारा का सारा जो है काम है बिहाइंड द सीन होता है। इसलिए जो है आपको ऐसा लगता है कि यार मैंने तो कोई सर्वर सेटअप ही नहीं किया है और आप जो है सर्वरलेस कंप्यूटिंग कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में सब कुछ जो है ऑब्वियसली अगर किसी कोड को आपको चलाना है तो पीछे सीपीयू रैम वो रिसोर्सेज या सर्वर की जरूरत तो पड़ेगी ही, ठीक है। लेकिन इसीलिए इसका नाम जो है वो सर्वरलेस कंप्यूटिंग है, और इसका मैं बहुत सी जगहों पे सर्वरलेस कंप्यूटिंग का यूज़ करता हूँ, ये बहुत ही इजी है। और इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर जैसे मेरे को अगर कोई एक प्रोग्राम है मेरा पाइथन प्रोग्राम जो कि एक दिन में सिर्फ 5 मिनट के लिए चलता है, तो मुझे सिर्फ उस 5 मिनट के जो है पैसे देने पड़ेंगे और बाकी मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है, और इसकी जो कॉस्टिंग है वो बहुत ही कम होती है। सबसे ज़्यादा जो कॉस्टिंग कम होती है वो सर्वरलेस कंप्यूटिंग की होती है बजाय कि ये बाकी कंपोनेंट्स की। अब यहाँ पे अगेन यहाँ पे एक एक बेनिफिट ये भी है कि अगर आप जो है ये सारे लिंक्स आप फॉलो करते हो उसके बाद यहाँ पे आप नॉलेज चेक में जाके अपना नॉलेज चेक कर सकते हो कि आपने आपको कंप्लीट नॉलेज हो गई है कि नहीं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे कि ये क्विक नॉलेज चेक हम लोग करते हैं, इसमें लिखा हुआ चूज द बेस्ट रिस्पॉन्स फॉर ईच क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइस इज नॉट अ क्लाउड कंप्यूटिंग कैटेगरी, तो कौन सी जो है क्लाउड कंप्यूटिंग कैटेगरी नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने IAS के बारे में जाना, हमने PAS के बारे में जाना, हमने SAS के बारे में जाना, बट वी डिडंट स्टडी अबाउट NAAS बिकॉज ऐसी कोई जो है कंप्यूटिंग कैटेगरी नहीं होती है, ठीक है। तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो यहाँ लिखा हुआ है ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस इन ओपेक्स यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर परचेजिंग एंड मेंटेनिंग योर कंप्यूटर रिसोर्सेज, सेकेंड लिखा हुआ विद ऑपरेटिंग एक्सपेंसिज यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्यूटिंग रिसोर्सेज दैट यू यूज, ओके सो दिस इज ट्रू, अदर्स आर नॉट ट्रू। थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, तो कौन सा जो इनमें से क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं है। तो हमने पढ़ा पब्लिक क्लाउड, हमने पढ़ा प्राइवेट क्लाउड, हमने पढ़ा हाइब्रिड क्लाउड, बट वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड बिकॉज दिस इज नॉट अ क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइस इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ यूजिंग क्लाउड सर्विसेज, तो यहाँ पे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइसिस इजेंट अ बेनिफिट ऑफ यूजिंग क्लाउड सर्विसेज, तो कौन से ऐसा है जो कि इज नॉट अ क्लाउड सर्विस बेनिफिट। तो स्केलेबिलिटी, वी नो स्केलेबिलिटी इज वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग क्लाउड सर्विसेज, डिजास्टर रिकवरी येस इट इज वन ऑफ द बेनिफिट्स, हाई अवेलेबिलिटी इज वन ऑफ द बेनिफिट्स, बट जियोग्राफिक आइसोलेशन ऐसा तो हमने कुछ नहीं पढ़ा है बिकॉज दिस इज नॉट वन ऑफ द बेनिफिट्स। लेट्स क्लिक ऑन चेक योर आंसर्स, नाउ यू कैन सी इट इज इन कॉन्ग्रेचुलेशन। सो जितने भी हमने अभी तक पढ़ा था वो हमने देखा कि वी आर एबल टू चेक अवर नॉलेज, एवरीथिंग इज ओके। तो गाइस दैट्स इट, इतना ही था। अगर हम सेक्शन वन की बात करें तो हमने जो है सेक्शन वन को अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। मैं एक बार फिर से चलता हूँ यहाँ पे जिसमें कि पूरा स्किल मेजरमेंट क्राइटेरिया है। तो हमने ये जो डिस्क्राइब क्लाउड कॉन्सेप्ट था जिसमें हमें सीखना था कि आइडेंटिफाई द बेनिफिट्स एंड कंसिडरेशन ऑफ यूजिंग क्लाउड सर्विसेज, उसके बाद था डिफरेंस बिटवीन कैटेगरीज ऑफ क्लाउड सर्विसेज, और जो है डिफरेंस बिटवीन टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो ये तीनों जो टॉपिक्स हैं या सब टॉपिक्स हैं वो हमने कवर कर लिए हैं, यानी कि हमारी जो प्रेपरेशन है लगभग 20 से 25% की हमारी प्रेपरेशन हो चुकी है। अब जो रिमेनिंग है वो जो है हम नेक्स्ट लेसन में कवर करेंगे। तो होपफुली आपको जो ये लेसन पसंद आया होगा, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। कुछ भी आप चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियोज़ में कोई इम्प्रूवमेंट हो, कोई भी इम्प्रूवमेंट आप चाहते हो या कोई भी टॉपिक चाहते हो कवर हो वो बता देना। और गाइज AZ 900 को करने के लिए आपको जो हैंड्स ऑन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा बहुत जो अजोर का हैंड्स ऑन करें ताकि जो आप रिलेट कर पाओ जो भी हम पढ़ रहे हैं उससे, आप जो है एक्चुअल चीज़ों को रिलेट कर पाओ। तो दैट्स इट गाइज, मेक श्योर कि आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर रहे हो और कोशिश कीजिए शेयर भी कर रहे हो, बिकॉज जो टेक्निकल चैनल है दैट इज़ ओनली गोइंग टू ग्रो बेस्ड ऑन वर्ड ऑफ माउथ, जितना आप स्प्रेड करोगे उतना ये ग्रो होगा। So thank you so much guys, see you again in the next lesson.